बार बोला ऐसे झटके में ब्रेक नहीं मारने का। ये किसने किया? पंचायत ऑफिस का बोर्ड किसने टेढ़ा किया? ये किसने किया? इस बाबा आदम के जमाने का ताला तो देखो, लगता है इस जमाने से इस ऑफिस को खोला नहीं गया है। सच बता, इस गांव का मुखिया कौन है, कहाँ है? तो आप ये इस गांव के मुखिया? इस गेटअप को देखकर मुझे सारा सेटअप समझ में आ गया। लगता है गेटअप पसंद आया। गेटअप पसंद आया? ये क्या कह रहे हो? सब कहते हैं मेरे रामा 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 रामचंद्र राघवेंद्र की जय हो, ये कहकर सबको धोखा देते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, इसीलिए मेरा गेटअप ऐसा है, समझ गए ना? चाहो तो मैं असरानी के कसम, क्या कहता है असरानी? आपने कभी भी गलत नहीं कहा है, आप तो गलत कहते ही नहीं है। मैंने कहा था ना, आप बताइए आप कौन है हुजूर? मेरा नाम कुंदन लाल है, पंचायत ऑफिसर हूँ, इस गाँव की चेकिंग के लिए आया हूँ। कीजिए बाबूजी, अच्छे से चेकिंग कीजिए। ये देखिए, इस वीरान खंडर की तरह लग रहे हमारे गांव के पंचायत बोर्ड के मुखिया का नाम देवा है। उसके बाप दादा के जमाने से ना तो इलेक्शन होता है और ना जनता के वोटों की जरूरत होती है। फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह कुर्सी से चिपक गया है, छोड़ता ही नहीं कुर्सी को। सच से हमेशा दूर भागता है और झूठ से हमेशा चिपके रहता है। वो कैसा आदमी है, उसका काम कैसा है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आप उसे सबक सिखा देना। आप जीप में तो बैठिए सर। ठीक है, आइए। बाप रे बाप, आज सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी, आज के आज ही ऑफिसर यहाँ पहुंच गया। अब उस मुखिया और इस ऑफिसर के बीच में जंग छिड़ेगी और हम देखकर मजा लेंगे और आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मालिक, हाँ? आप नाग मुनि नहीं हैं, नारद मुनि हैं। अरे मुंह बंद कर मूर्ख, अभी चल के खाना खाना है। क्या बात है चंद्रा, ये दोनों पति पत्नी क्यों झगड़ रहे हैं? मालिक, इसने अपनी पत्नी को मारा और इसी वजह से वो गुस्से में आकर अपने मायके जा रही है, और जब तक ये मारना बंद नहीं करता तब तक ये लौट कर नहीं आएगी। ये आपसे न्याय चाहते हैं, तो आप न्याय करें। करेंगे, न्याय करेंगे। क्यों रे नामदेव, तेरा पत्नी को मारना सरासर गलत है, मानता है ना? मानता हूँ मालिक। इसलिए तुझे 500 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। 500 रुपए? हाँ, 500 रुपए भरना पड़ेगा, देवा मालिक ने कह दिया है, चुपचाप मान ले। ऐसन, तू जो अपने मर्द को बार बार छोड़कर मायके जाती है ना, वो भी गलत है, मानती है ना? मानती हूँ मालिक। इसलिए तुझे 200 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। तुम दोनों दंड भर के आराम से जाकर अपना अपना काम करो, यही देवा का फैसला है। ये क्या देवा मालिक, असल में हम दोनों के बीच झगड़े की वजह 150 रुपए ही है। इसने 150 रुपए की साड़ी खरीदने के लिए कहा, मैं नहीं माना, इसने गाली बकी तो मैंने मारा और बात यहाँ तक आ गई। अगर आप 150 रुपए की साड़ी के लिए हम पर 700 रुपए का जुर्माना लगाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? भरना ही पड़ेगा। जुर्माना भरा तो तुझे पैसे के साथ साथ अपनी बीवी की अहमियत का पता लगेगा और उसे पंचायत की अहमियत मालूम होगी, दोनों को इस देवा की अहमियत मालूम होगी। दंड भर के यहाँ से चले जाओ। अरे देवा मालिक, आपके न्याय की चर्चा सिर्फ इसी गांव में नहीं होती है, बल्कि 10 गांव इधर और 10 गांव उधर भी होती है। हर गांव में आपके न्याय की चर्चा होती है मालिक। ध्यान से देख लो साहब जी, यही है मालिक। मालिक, आपके बारे में मैंने साहब जी को सब बता दिया है। मगर ये अफसर है कौन? पंचायत ऑफिसर हूँ, इस गांव के पंचायत के हिसाब में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली है, इसलिए आया हूँ चेक करने। जब तुम हमारे कुत्तों को देखकर इतना डर सकते हो तो तुम हमारे पंचायत का हिसाब कैसे देखोगे? सर, सर, आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना? हाँ भैया, मेरा दुर्भाग्य, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। सॉरी सर, मेरे टॉमी जैकी गवर्नमेंट ऑफिसर के दुश्मन हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर से दुश्मनी है, पर क्यों भैया? ये एक लंबी कहानी है साहब जी। इससे पहले इन कुत्तों की माँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में रहती थी। उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने कुत्तों की माँ को भूखा प्यासा रखकर उसे बहुत सताया और उस तकलीफ को सहकर इन कुत्तों की माँ ने इन्हें जन्म दिया और मर गई। बस तभी से
जब भी ये किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हैं तो ये उसे काट खाने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए जब भी इस गांव में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है तो ये कुत्ते से खाने के लिए दौड़ते हैं। ये यकीन नहीं आता है तो मैं सलानी की कसम खाता हूँ। सर, भगवान के लिए इन कुत्तों को यहाँ से ले जाओ, मेरे साथ आपके क्लर्क को भेजिए। मैं सच कहता हूँ, आपका हिसाब किताब देखे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। अब आया रास्ते पर। अरे चंद्रा जी मालिक, तू इन्हें अपना हिसाब दिखाकर भेज दे। ठीक है। ओमा ओमा, चलिए। अरे साहब, मैंने तो पंचायत ऑफिस के क्लर्क को भेजने को कहा था, इस बुद्धू को क्यों भेज रहे हो? बुद्धू कौन है? बुद्धू बोलो कौन है? मैं ही पंचायत ऑफिस का क्लर्क हूँ। धोती थोड़ी ऊपर हो गई है। अब देखो, ठीक है ना? सुनो, मैं पंचायत ऑफिस का क्लर्क हूँ, उससे पहले देवाजी का वफादार आदमी हूँ, समझे? चलिए चलिए, हिसाब देख लीजिए। मुन्नी, तुमने भगवान से क्या मांगा? मेरी माँ भगवान के पास गई है ना दादी माँ, वहाँ मेरी माँ को जब भी भूख लगे अच्छे से खाना खिला देना, ये मैंने भगवान से मांगा है। अरे बेटी, तेरी जैसी अगर तेरे पिता की सोच रहती तो तेरी माँ भगवान के पास इतनी जल्दी नहीं जाती। जानकी, अब उस भगवान की पूजा रहने दो, पहले अपने भगवान की तो खबर लो। पापा, इस फूल को माँ की फोटो पर चढ़ा दो ना। अभी जाओ यहाँ से, बाद में लगाएंगे। क्या इस तरह बात करते हैं छोटे बच्चों से? ये तेरी अपनी बेटी है, इसकी माँ भी नहीं है, नहीं जानता? इसकी माँ ही नहीं, मेरी बीवी मर चुकी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी बीवी के मरने की असली वजह तेरे और तेरे पिता के अत्याचार हैं। चुप रहो। इस देवा के खिलाफ जाने वाला चाहे कोई भी हो, सीधे उस भगवान के पास जाएगा। मेरी बहू ने सबके सामने मेरा अपमान किया, मर गई। उसने अपमान आपका नहीं किया, बल्कि आपके अन्याय का। जानकी, तुम भी अगर उसी रास्ते पर चलोगी तो तुम भी अपनी बहू के पास जाओगी। जाओ यहाँ से। हे भगवान, खाओ अकेले। क्यों दादाजी, आपने राक्षस की तरह क्रोध में आके दादी जी को क्यों डांटा? अपना गुस्सा ही अपना शत्रु होता है ना। बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो, नानी माँ नहीं, समझी? जाओ। ए पटाका, इधर आ, तुझे ही बोल रहा हूँ। डब्बे से पर्ची निकाल। बॉस, 68। 68 का मतलब तो है मिडनाइट नाइट। रात को बंगले के पीछे इंतजार करना, हम लोग आ जाएंगे। अगर नहीं आओगी तो कल कॉलेज भी नहीं आ पाओगी, समझी? समझ गई। नमस्ते जी। क्या बात है, ये कल क्यों नहीं आएगी? कोई त्योहार है क्या? नहीं, हमारी शादी है। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी जी। रुको, जल्दी से डिब्बे में से एक पर्ची निकालो। क्या लकी ड्रॉ है? नहीं, मेरा सर है, निकालो। ऐसे डांटिए मत, मुझे डर लगता है। अच्छा, डर लग रहा है? बॉस, 89। 89 का मतलब बता, लेट्स हैव फन। देखो, कल शाम ईगल रेस्टोरेंट में आ जाना, मिलकर मजे करेंगे। अगर मैं नहीं आई तो आप क्या करेंगे जी? धुलाई होगी। धुलाई करेंगे मतलब मारेंगे? कैसे मारेंगे? ऐसे मारेंगे क्या? बहुत दर्द होगा। ए, तुमने हमारे बॉस पे हाथ उठाया? छी छी, ऐसा मत बोलिए जी। अच्छा, मैं हाथ नहीं पैर उठाती हूँ। ऐसे पैर में मत मारिएगा, मेरे पैर में दर्द होगा। ए, नाटकबाजी करके हमें मार रही है, मेरा दिमाग मत सटका, समझी? ऐसे मत मारना, यही कहना चाहती थी। क्यों रे चिंपैंजी, कैसा लगा अपना स्टाइल? लड़कियों को छेड़ने का धंधा बना लिया, फिर कभी किसी लड़की को नजर उठाकर देखा ना तो चीर कर रख दूंगी। चल जा। सपना, धमाल स्टाइल है तेरी, आज इन टपोरियों को तुमने सबक सिखाया है, इसलिए आज कॉलेज में बड़ी पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, पार्टी होनी चाहिए। लेकिन पार्टी से पहले हम एक और जगह चलेंगे। बता फिर हमें कहाँ चलना होगा? शहर में और क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इस चिंपैंजी से पूछ लेते हैं। ए, बता क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। कला सदन में मैजिक शो है। चल बता नेक्स्ट। रविंद्र भारती में पंडित शिवहरी जी का संगीत समारोह है। बोल, चल नेक्स्ट। शिवाजी मैदान में बैलों की रेस है। बैलों की रेस है तो फिर हमारे गांव वाले भी आए होंगे, चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ओके, डन। हटो ना। तो हटो। सपना कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। मैं भी वही देख रही हूँ। सपना देखो, उस बैलगाड़ी पर हमारे गांव का बैनर लगा है और उस पर कोई बांका नौजवान भी बैठा है। लाला मुझे दे, मैं भी देखती हूँ।
वाओ, हमारे गांव में इतना हैंडसम लड़का अब तक मेरी नजर से बचा कैसे? राजा, बाजू वाले के बैल भी तगड़े हैं, जरा जान लगा के दौड़ाना, समझे क्या? ए, एक मारूंगा सब भूल जाएगा, देखना इस दौड़ को मैं ही जीतूंगा। मेरे बैल बहुत तगड़े हैं और मुझ में भी बहुत दम है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लगा दो जान, बहुत बड़ी बात कही है गुरु, और डरने का नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। इसका मतलब भाई के पीछे तू बैठने वाला है? अगर नहीं तो जल्दी से मेरे पीछे आ जा, चल। ओ भागो। भाई और बहनों, राज स्तर पर बैलों की दौड़ प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को चांदी का कप और 50,000 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। चलो भाई, आज खुशी के मौके पर जश्न मनाते हैं। हाँ? आप लोग इतनी जल्दी नहीं जा सकते, जीतने की खुशी में आप लोगों को एक पार्टी दी जाएगी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा नाम सपना है, तुम मेरे ही गांव के हो। वो सब छोड़ो, पहले मतलब की बात करो, बहुत बातें बनाती हो। तुम्हारा गांव मेरा नहीं, मेरा गांव तुम्हारा। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। एए, इंग्लिश बंद कर, चल निकल यहां से। चलो रे सब। एक मिनट, तुम्हारा नाम? मेरा नाम बाल ब्रह्मानंद है। मेरे गांव के बीचों बीच खजूर का पेड़ है और उसमें बहुत खजूर लगते हैं। मैंने तुमसे नहीं, इनसे पूछा है। हमारा भाई कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे ये तो एक महान पुरुष है, एक पहुंचा हुआ आदमी है, एक महान आदमी का बेटा है। इसके दोस्त हैं और ये हमारा दोस्त है। ये तुम जैसों का ज्यादा मत बोल, समझाना। सुनो सुनो, हम एक ही गांव के हैं, इसीलिए तुम्हें पार्टी देना चाहते हैं, प्लीज। अब भाई, जब लड़की खुद पार्टी देना चाहती है तो इनकार मत करो। हाँ भाई, शहर में होटल की पार्टी बहुत झकास होती है, ऐसा मेरे मौसी का लड़का बोलता है। मना मत करो भाई। सुनो राजा, अगर तुम अपने दोस्तों से प्यार करते हो तो उनकी बात को और मेरी बात को मानना ही पड़ेगा।
पार्टी कहाँ पर है? फाइव स्टार होटल में। अरे तो आज एसी मिलेगी ना? अरे बाप रे, बाहर ही ऐसा मस्त लग रहा है, अंदर तो पीकर दिल झूम उठेगा। चलो अंदर चलते। क्या है रे, गवारों की तरह बैठा? एक घंटे से बैठे, इस कागज को खाना पड़ेगा क्या? जाओ सबको दो, सब लोग ले लीजिएगा, प्लीज हैव इट। नींबू का शरबत, अरे वाह। क्या नींबू का शरबत, एक ग्लास मुझे भी देना। राजा ये लो। ये क्या दारू है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ये दारू वारू नहीं पीता हूँ। नहीं बाबा राजा, ये दारू वारू नहीं है, ये तो शैंपेन है। ये अच्छा है, जब ये हमारे गांव में होती है तो ताड़ी कहलाती है, और बड़े होटल में आ जाए तो उसे कहते हैं शैंपेन। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूँ? गवार थोड़ी हूँ मैं। तुम पियो, मेरी फिक्र मत करो तुम। सपना तुमसे ये गाँव का हीरो नहीं पटने वाला। लगी शर्त? ओके लगी शर्त 1000 रुपए की। हे रुको, राजा पार्टी तुम्हारे लिए दी है और तुम कुछ भी नहीं ले रहे हो। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक तो ले लो। वो कॉकटेल है मैडम। आई नो इट्स कॉकटेल। को कॉकटेल बोले तो क्या मैडम, मतलब ये भी एक तरह का कोल्ड ड्रिंक ही है। हाँ मतलब हमारे गांव का कलर सोडा जैसा। हाँ यस यस कलर सोडा। तो फिर लाओ। बहुत अच्छा, एक और दो। ये भी बहुत अच्छा था। एक और दो। अरे ये क्या है, बॉल जैसा लगता है, पेरू है क्या? पेरू कैसा हो सकता है, लाल है। नहीं सर मैसूर वड़ा है। ओहो वड़े के अंदर मैसूर रख दिया, बहुत अच्छा। इसमें मैसूर नहीं है रे। मैसूर नहीं है? नहीं है। इतना बड़ा धोखा, धोखा दिया। अरे बाप रे, इसके अंदर मैसूर नहीं है। मिर्ची के पकौड़े में मिर्ची है। मिर्ची? हाँ। और ये देख कांदा भजिया में कांदा भी है, फिर मैसूर वड़े में मैसूर क्यों नहीं है? ए भगवान मैसूर किधर गया रे बाबा। वड़े में मैसूर बंगलुरु नहीं होता। आप लोग वड़े में मैसूर बंगलुरु अगर नहीं रख सकते तो फिर इसका नाम मैसूर वड़ा क्यों रखा? हमको मैसूर मांगता है, 5 मिनट के अंदर हमको मैसूर मांगता है तो हम झगड़ा करेगा। जरा कंट्रोल कीजिए मैडम। जरा खुद को कंट्रोल कर यार। आप उधर भी कंट्रोल नहीं करेगा, मैसूर वड़ा बोलकर देता है, अंदर मैसूर नजर ही नहीं आता है। ए दूके एक बता, हमको सीधा साधा समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तेरा होटल बंद करा दूंगा, तेरा होटल खरीद लूंगा, 5 मिनट में खरीद लूंगा। समझता क्या हमको? वहाँ डांस प्रोग्राम चल रहा है, हम सब वहीं चले, प्लीज चलो चलो। डांस प्रोग्राम? डांस प्रोग्राम? ए तो मैसूर मत मंगा रे, मैं भी डांस करूंगा, होटल बाद में खरीदूंगा। ए रोको रोको, ये तुम क्या गा रही हो? नया सॉन्ग पीस है। ये नया सॉन्ग पीस है या मसाला डोसा है? यहाँ अपने देसी गाना ही चलेगा समझी? ए बजाओ रे। राजा प्लीज। चू चाची नहीं चाहिए मेरे को, तू साइड में जा, चल साइड में बाजू में खड़ो के तमाशा देख। भाई लोग तो तैयार हो? हम तो तैयार है भाई, जरा बाकी लोगों से पूछ लो नाचने के लिए, वो लोग तैयार है क्या? आइटम शुरू होगा तो सब नाचेंगे। आओ जरा नाचे रे। झूम के मस्ती में
नशा सा चढ़ा दिया मन झूमने गाने क्यों लगा दुनिया हसीन लगे सब कुछ रंगीन लगे जागी नहीं सी आशा तुझको बताऊं क्या तुझको समझाऊं क्या जान लो दिल की भाषा राजा प्रतियोगिता जीतकर बड़ा कब लाया है चांदी का अरे बेवकूफ आज क्यों रहे हो ये तो मेरी भाभी का आशीर्वाद है भैया आपकी फोटो अखबार में भी छपी है अरे अखबार में क्या सारे शहर में इसी के नाम के चर्चे हैं जहाँ देखो राजा का ही नाम है आखिर दोस्त किसका है अपुन का अच्छा तो एक बात तेरे को मालूम है क्या वो क्या है ये कब तूने नहीं राजा ने जीता है अभी तो चुप रहेगा सुनो सब जम के खाना बिल्कुल शर्माना मत सुन आनंद हाँ कल की नौटंकी की वजह से तू ठीक से खा नहीं पाया था ना तो आज खा हाँ मैं समझ गया अब तो पहेलियां मत बुझा कैसी पहेलियां पहेलियों का मतलब ओ दीवार के घड़ी कैसा टिक टिक करती अरे देखो बड़े भैया आ गए ओ बड़े भैया हाँ भैया आपका कब से इंतजार कर रहे थे बड़े भैया छोटे भैया बैलों की रेस में जीतकर देखो कितना बड़ा कप लाए हैं क्यों नहीं लाएगा वो कोई भी अच्छा काम करता है ना तो उसके बड़े भाई के आशीर्वाद के साथ साथ उसके देवा मालिक का भी आशीर्वाद उसके साथ रहता है ये देखो जब देखो देवा जी की तारीफ करते हैं आपके देवा मालिक का आशीर्वाद किसी के साथ होता है आपके सिवा ये बात कोई नहीं मानता है देखो राजा लोगों की बातों पे तुम मत जाओ देवा मालिक हमारे घर के देवता जैसे हैं। उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं ये आज से नहीं हमारे पुरखों के जमाने से चलता आ रहा है देवा जी के दादा वैष्णव देव के यहाँ हमारे दादा तीरथ राज ने काम करके उनकी सेवा की है अब मैं अगर तुम्हें पूरा इतिहास समझाने बैठूंगा तो सुबह से लेकर रात भी कम पड़ेगी अरे हाँ देवा जी के पिता राज वैष्णव देव के यहाँ हमारे पिताजी ने नहीं की बल्कि वो खिलाफ गए मैं जो कह रहा हूँ वो हमारी माँ के बारे में कह रहा हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे पिताजी की तारीफ है हमारे परदादा रामचंद्र देवा जी के परदादा राजशेखर के अन्याय के खिलाफ थे हमारे दादा तीरथ राज देवा जी के दादा वैष्णव देव के खिलाफ थे हमारे पिता रमा तीरथ राज देवा जी के पिता राज वैष्णव देव के अन्याय के खिलाफ थे इसीलिए हमारे पिता के रास्ते पर चल के उस देवा के मैं खिलाफ रहूंगा बस बैंगन की सब्जी लो कभी नहीं लूंगा देवा जी के खिलाफ इतनी फालतू बात कर रहा है आज हमारे माँ बाप जिंदा होते तो इसकी क्या हालत करते जानती है तू वो क्या करते तूने तो मेरा जीवन सफल कर दिया भगवान ये कह के कांधे पे गमछा डालकर निकल जाते ऐसा नहीं हो सकता लगता तू आज मुझे खाना नहीं खाने देगा भैया रुको ऐसा मत करो मेरी बात तो सुनो आपको मेरी बात पसंद नहीं तो आज के बाद से मैं कभी नहीं कहूंगा पर आप ऐसे खाना छोड़ के मत जाइए
मेरे लिए खा लीजिए भैया। तेरे लिए नहीं खाऊंगा, मैं अपने माँ बाप के लिए खाऊंगा। जानता है क्यों? वो देवाजी के खानदान को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। अब डालो, सारी सब्जी डाल दो। अरे ऐसा करोगे तो हम क्या खाएंगे? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। कह रहे आनंद, एक दिन आता है, दो दिन गायब हो जाता है, कहाँ घूमता रहता है आजकल? अरे क्या बताऊं भाई, कुछ बड़ा काम करने जाता हूँ तो खुद ही घनचक्कर बन जाता हूँ मैं। एक बात बताओ, इस साल गांव में उत्सव मनाने का है या नहीं? क्या मनाएंगे इस बार, वो देवा के आदमी नहीं मनाने देंगे हमको। अरे मनाएंगे, इस बार हम उत्सव मनाएंगे, तभी उसको अकल आएगी। शाबाश भैया, तो फिर मैं खूब जम के नाचूंगा, देख लेना। तू क्या ठेंगा नाचेगा? अपना नाच नहीं चलेगा, शहर से एक क्लास डांसर लाएंगे, तब धमाल मचेगा। दोस्तों अब यहाँ एक अद्भुत नृत्य होगा, आ रही है नृत्यांगना, आइए नृत्य कुमारी। शहर की जानी मानी नाचे मयूरी नृत्य सम्राटनी हमारी कुमारी कामिनी के साथ नाचकर उसे जो नृत्य में हराएगा उसे हम हमारे हिस्से की मिली धनराशि भी तोहफे में दे देंगे। तो कहिए क्या आपके गांव में कोई ऐसा नर्तक है? हाँ है। अरे बाप रे बाप, तू है क्या? अरे चुप, कैसी बात करता है? ये मैं नहीं, हमारे नरेंद्र बाबू हैं। जब ये दिल से डडा डडा डांस करते हैं ना तो आसमान भी हिल जाता है। इन्हें दिखा दो ना। अरे तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे ये हमारी इज्जत का सवाल है, अगर तुम अभी नहीं नाचे ना तो राजा का बच्चा नाचेगा, साला धूम मचा देगा, इसके बाद तुम इं, 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 हो जाओगे। ये बात है, मैं आ रहा हूँ। फिर जाओ। अरे ये नाचेगा, अच्छे से समझ लो, यहाँ नाचना है। हाँ जानता हूँ। ना 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 ना, देखो देखो देखो। चंपू, खेल खत्म। जानवरों की तरह नाचोगे ना तो ऐसा ही होगा। नागमणी, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे क्या मालूम था कि 5 मिनट भी नहीं नाच पाओगे। अब चलो घर, और घर जाके चारपाई तोड़ते हैं। चलो आओ। एक का तो काम हो गया, और कोई जीतना चाहता है तो मंच पर आए। हमारा दिल वाला राजा है, वो मंच पर आएगा तो तुम्हारे इस कामिनी को किसी काम का नहीं छोड़ेगा, तुम देखते रह जाओगे। राजा जा भी आ जा।
क्यों करे अरे ओ दीवानी। ऐसी झूठी बातें ना मुझको बता, मेरी कातिल है मेरी हर एक अदा। अटक दो हर खेल में ना हारा मैं ही जीता, जिंदगी के रेलम पल में रहा सबसे आगे मैं ही मैं हमेशा। ऐ रूप की रानी सुन बात मेरी, ये डांस की बाजी तू मुझसे हारेगी। क्या सपना स्टेशन पर पहुंच जाएगी? ठीक है, स्टेशन पर कार भेज दूंगा मैं। ठीक है, हाँ। क्या सपना आ रही है? हाँ पिताजी, ट्रेन का वक्त भी हो गया, जल्दी स्टेशन पर कार भेज दीजिए। भेजने की क्या जरूरत है, तू भी तो जा सकता है। अरे जाओ जाओ जाओ। कौन मैं? क्या करें देवा जी, ये सबके सामने डांस करने के लिए गए थे, नाच कर नीचे गिर गए और टांग तोड़ कर बैठ गए, और आप इनको कार लेकर जाने के लिए कह रहे हैं? सच में ये नहीं जा पाएंगे, असरानी की कसम। मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारी नौटंकी है। अगर स्टेशन पर कार नहीं भेजी गई तो सपना आकर तेरी टांग तोड़ देगी, बाद में मुझसे मत कहना। अब ये बताओ कार लेकर कौन जाएगा? कौन क्या, चंद्रा किस लिए? नहीं मालिक। कोई मर गया है क्या, क्यों रो रहा है? मुझे ड्राइविंग नहीं आती इसलिए मैं रो रहा हूँ मालिक, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो। अयो रामा रामा, इसमें रोने की क्या बात है, कार ले जाने के लिए ड्राइविंग जरूरी नहीं है, मेरे पास एक तरीका है, आओ बताता हूँ। कोई अब तक आया क्यों नहीं? छे, ए सपना देख तेरे लिए कार आ रही है, कैसे ला रहे हैं देखो। माफ करना बेटिया, आने में देर हो गई। कार को बैलगाड़ी से लाने के लिए किसने कहा था? आपके पिताजी ने। हंसना बंद करो। बेटिया ये लो कार की चाबी, आप इस कार में आइए, मैं बैलगाड़ी से आता हूँ। इस सपना हम भी बैलगाड़ी में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। गुड आइडिया, इस कार को तुम खींच कर लाओ, हम बैलगाड़ी से चलते हैं। बाप रे, आप बैलगाड़ी नहीं चला सकती, ऊपर से रास्ता भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। रास्ता कैसा भी हो, जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ सब मेरे मुताबिक चलता है। चलो। उसने तो कहा था रास्ता ठीक नहीं है और बैल बिगड़े हुए हैं, पर ये तो बड़े प्यार से चल रहे हैं। और तेज भगाऊं क्या? देखें कितनी तेज चला सकती है तू, देखना है तो फिर देख। Oh!
तुमने क्या कर दिया? राजा भैया का खेत तुमने बर्बाद कर दिया। अगर वो देखेगा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? You idiot! घमंडी कहीं कि मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? और नहीं तो क्या, जान से मार डालूंगी इसे। हमारी मुसीबत में मदद करने की बजाय फालतू की बकवास कर रहा है। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। देखती हूँ क्या करते हो तुम लोग। चलो शुरू हो जाओ। पहले ये बता तुझे क्या कहना है। ऐसी कोई बात नहीं मालिक, इंसानों के रूप में आए कुछ जानवर मेरे खेत में घुसकर खेत को बर्बाद कर दिया। आप खुदा कर देख लीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो गया है और उन जानवरों को सजा भी दे दीजिए। अरे इतनी सी बात है, उन जानवरों को कड़ी सजा देकर तेरे साथ न्याय करूंगा, चल देखता हूँ। अरे असरानी, ये तो हीरो विलन का झगड़ा लगता है। डैडी, इसने हमें जानवरों की तरफ बांध दिया है। डैडी, इसने कितना कसकर बांधा है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अरे रामा रामा, बिटिया की ऐसी हालत देखकर लगता है मेरे दिल की धड़कन ही रुक जाएगी, असरानी की कसम। क्या हो रहा है राजा, ये सब क्या नाटक है? ये नाटक नहीं है मालिक, ये इनका घमंड है। इन्होंने औरत होकर जानवरों जैसी हरकत की है और मेरे खेत को जानवरों की तरह तबाह कर दिया है, इसलिए मैंने इन्हें बांध कर रखा है। सारे गांव के लिए एक ही धर्म और एक ही तरह न्याय करने वाले आप, अपने दिए हुए वचन के लिए अपनी जान भी देने वाले आप, उस भगवान की दी हुई बात शायद टल सकती है लेकिन आपका वचन कभी नहीं टल सकता। तो मालिक अब करिए ना न्याय मेरे साथ। हे भगवान, और कोई रास्ता नहीं है मालिक, आपको बड़े ही अजीब तरीके से आपके ही जाल में फंसा दिया है इसने। अब तो मालिक बहुत मुश्किल लगता है इस खतरनाक जाल से बचकर आपका निकल पाना। अब तो आपका काका काम से गए मालिक। नागमुनि, अगर एक शब्द भी कहा तो तुम्हें यही फांसी लगवा दूंगा। बताओ राजा, तुम्हारे खेत का कितना नुकसान हुआ है? मालिक करीबन 5,000 का। ठीक है नागमुनि, दे दो। अरे रे रे राम, न्याय के लिए आपने कई लोगों से जुर्माना भरवाकर अपने घर में आप इतने आराम से रहा करते थे और आज इस तरह जुर्माना भरते देखकर लगता है देवा मालिक खुद बहुत बड़े भिखारी बन गए हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। चल जा जा। छी छी, धीरे धीरे तेरी नासमझी बढ़ती जा रही है। समझदार हूँ इसलिए मैंने लड़कर न्याय ले लिया। कैसा अन्याय, कैसा अन्याय? वो मालिक है। भैया, आपको लगता है मैंने अन्याय किया है तो मारिए, सजा दीजिए, सह लूंगा, लेकिन अगली बार उस देवा को मेरे सामने मालिक कहोगे तो मैं ये नहीं सहूंगा। भाभी, मैं शहर जा रहा हूँ खाद लेने के लिए। सुनी तुमने, सुनी इस नालायक की बातें? हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम हो कि अपनी जिद पे अड़े रहते हो, वो है कि अपनी जिद नहीं छोड़ता है। चलो चल के खाना खा लो। खाना नहीं, मुझे जहर दे दो, खाकर मर जाऊंगा। छे छे, न जाने इसका पागलपन कब खत्म होगा। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन को रस्सियों से बांधेगा? मुझ में कितनी हिम्मत है, जाकर बहन से पूछ ले, पता चल जाएगा। तेरा घमंड चकनाचूर करना ही होगा। ए, इस साले की हड्डी पसली तोड़ दो। Yeah.
पिताजी, उस राजा की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। मुझे रस्सियों से बांधा था और भैया को बुरी तरह से पीटा है, ये सब देखकर भी आप चुप बैठे हैं। हमारे पिताजी का नाम भी देवा है, ये भी भगवान की तरह पत्थर हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरी समझ में आ गया है। अरे सुन नरेंद्र, इस देवा की सियासत जैसे तू नहीं समझ सकता, वैसे ही भगवान भी नहीं समझ सकता। आपकी सियासत मैं नहीं जानती, जिस खेत में उसने मेरी बेइज्जती की है वहीं उसे सबक सिखाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, 24 घंटों के अंदर उसका खेत हमारा होना चाहिए। ए जल्दी उतर, तुम निकलो निकलो। सुनो, तुम लोग बोरियों को लेकर घर जाओ, मैं खेत पर जाकर आता हूँ। ठीक है भाई। गांव के हीरो के रिएक्शन तो देखो, कितना क्यूट लग रहा है। बाप रे, कोई कहीं से चॉकलेट लाकर इस बच्चे को दे दो ना। अब ये हीरो का खेत नहीं, हमारा प्लेग्राउंड है। शायद अब ये समझ गया होगा ये सपना भी क्या चीज है। मेरे खेत को खेल का मैदान बना दिया, तेरी इतनी हिम्मत। डोंट टॉक नॉनसेंस, अब ये खेत तुम्हारा नहीं मेरा है। चाहो तो उससे जाकर पूछ लो जिसने हमें बेचा है। हाँ हाँ, देवा मालिक ने वो खेत मांगा था इसलिए बेचा है, गुनाह किया। ये गुनाह नहीं है तो और क्या है, वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे माँ के पिताजी का दिया हुआ खेत था और उसे राजा को देने के लिए उन्होंने वसीयत भी की थी, भूल गए क्या? अरे कुछ नहीं भूला, मैं माँ की बनाई हुई वसीयत को नहीं भूला और मैं ये भी नहीं भूला कि ये मेरा भाई है, क्योंकि इतने दिनों से मुझे छोटे भाई की तरह मानने वाले देवा मालिक ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा था इसलिए मैंने दे दिया। और जमीन मैंने मुफ्त में नहीं दी, पैसे लेकर दी है। कल को बहन की शादी भी करनी है। क्यों, बहन की शादी की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है? ये बहन की शादी का मामला नहीं है भैया, ये खेत मेरी माँ की तरह था और आपने उस नीच देवा को बेच दिया, वही बात मैं सह नहीं पा रहा हूँ। जिस खेत को हम अपनी जान समझते थे आज उन कमीनों के घमंड की वजह से हमसे छिन गया, ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है। देखो राजा, इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है मैं जानती हूँ, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, और मैं ये भी जानता हूँ कि गलती भैया की नहीं है, ये उस कमीने देवा की चाल है। एक दिन उसकी असलियत पूरे गांव के सामने ले आऊंगा और जो धोखे से उसने मेरा खेत हत्याया है उसे भी हासिल करके रहूंगा। तूने बेइज्जती राजा की नहीं की है, धरती माँ की है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तेरे पैदा होते ही मैंने सोचा लक्ष्मी ने जन्म लिया है, मैं खुश थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है मैंने एक लक्ष्मी को नहीं बल्कि राक्षसी को जन्म दिया है। सपना, अगर अभी भी तुम में कुछ शर्म बाकी है, तुम में कुछ भी इंसानियत बाकी है, तो फौरन जाकर उस राजा से माफी मांगो, तब जाके तुम्हारा पाप धुलेगा। hey, hey, hey. Oh, oh. मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, I'm sorry. तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, प्लीज। अंकल, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जवाब दे पाओगे? पूछो बेटा। अगर कोई गलती करके माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना इंसानियत है, ऐसा हमारे मास्टर जी कहते हैं, ये सही है अंकल? बिल्कुल सही है। तो फिर आप अच्छे आदमी हैं, ये बात मेरी दादी हर वक्त कहती है। अगर सच में आप अच्छे आदमी हैं तो हमारी बुआ जी को माफ़ कर दीजिए अंकल। बोलो अंकल, मेरी बुआ जी हमेशा दुखी रहती हैं, बोलो माफ कर दिया उनको? चलता हूँ बेटा। राजा भैया, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। किस बात का उपकार? मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए तुमने अपनी बहन के हाथों पैसे भिजवाए ना। बहन के हाथों पैसे भेजे? हाँ भैया, तुम्हारे दोस्त की तकलीफ को समझकर तुम्हारी तरफ से सपना ने मदद की है और उससे कहा कि ये मदद तुमने की है, न जाने क्यों सपना तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
भयो 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 झिंडो मल्लरे हायो 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 कोल्लन दर्पी ऊरुकुंटावे सल्लोकी दिंपी संपोतुन्नावे चली 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 बजे मैं पैदा हुई थी, उसी वक्त तुम मेरे बेडरूम में आके मुझसे नजरें मिला के अपने प्यार का नजराना दे सकते हो। वाह क्या बात है, यानी सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। क्यों, तुम मेरे पिताजी से डरते हो? अरे छोड़ो, मैं तो भगवान से भी नहीं डरता, तुम पिताजी की बात करती हो। देखो तुम मुझे चाहती हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर बीच में कोई आया ना तो उसे हटाना अच्छी तरह आता है मुझे। और सुनो, सुबह 4 बजे मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। देख लिया, कहा था ना आऊंगा, आगे
थैंक्स। ये फूल तुम्हारे लिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो पिताजी। सपना, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? करो, तुम मेरा रेप करने आए हो। hey, सपना, अब छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? पिताजी, कहाँ सब लोग? जल्दी आओ पिताजी। भैया, क्या है बेटी, क्या हो गया तुझे? ये मेरे कमरे में घुसकर जबरदस्ती कर रहा था। नहीं, मैंने खामोश, झूठ मत बोल। हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम तक चला गया? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया था, आपकी बेटी ने बुलाया था अपने जन्मदिन के लिए। मेरी बहन का जन्मदिन और आज ये कहानी, तो किसी और को जाकर ही सुना। ए, ज्यादा मत बोल, अपना मुंह बंद रख। सपना, बताओ इन्हें, तुमने मुझे यहाँ बुलाया कि नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम खुद आए हो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सपना, रुक जाओ, मैं गांव का सरपंच हूं। मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेटी के बेडरूम में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने वाले इस नीच कमीने को यह पंचायत यह सजा देती है कि इसे 25 कोड़े मारे जाएं। नहीं मालिक, मेरा भाई गुस्से वाला जरूर है, उसका खून भी गर्म है, लेकिन वो बहादुर है। किसी लड़की से बदतमीजी वो कभी नहीं कर सकता। सजा ही देनी है तो आप मुझे दीजिए। नहीं भैया, रुको, मुझे मिलेगी। भीमा, रुक जा, वो चाबक मुझे दे, इसका घमंड मैं ही उतारता हूँ। हे, मैं अगर चाहूँ तो तू और तेरा बाप क्या, तेरे सारे आदमियों को मारकर ठिकाने लगा सकता हूँ। मैं सजा इसलिए नहीं भुगत रहा कि मुझे तेरे बाप की इज्जत करनी है या मैं तुझसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए भुगत रहा हूँ क्योंकि मैंने एक धोखेबाज लड़की से प्यार किया। मार! रोज खेत में मेरी बेइज्जती करके मुझे ठेस पहुंचाई थी, इसलिए मैंने आज उसका बदला ले लिया है। अब तो तुम समझ गए होगे कि सपना क्या चीज है। रोक, मेरे जिस्म पे पड़े हुए जख्म तो कुछ दिन के बाद भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म तूने मेरे दिल को पहुंचाए हैं वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। अरे राजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि देवा मालिक से टकराना ठीक नहीं है, मगर तुम समझते ही नहीं। मैं समझ गया भैया, उसने जो मेरा अपमान किया है उसके लिए मुझे क्या करना है, ये अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम करने क्या वाले हो? मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, पर वक्त आने पर उस देवा के बच्चे को और उसकी बेटी को सबक सिखा कर ही रहूंगा। बेटी सपना, अगर वो लड़का तुझे पसंद है तभी शादी करना। अपने पिता से डरकर अगर शादी करोगी तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखो, इस शुभ अवसर पर कैसी अशुभ बातें करती हो। तुम चलो बेटी। क्या बकरा है, क्या बकरा है, क्या बकरा है, ऐसी बकवास दोबारा करेगा तो चप्पल से मारूंगा तुझे। ए, रुक जाओ, इसने ऐसा क्या कह दिया? हे प्रभु, आप ये मत पूछिए मुझसे, इतनी जल्दबाजी में बिटिया की शादी क्यों की जा रही है? उस राजा की वजह से बिटिया की पंचायत में बड़ी बेइज्जती हुई है, ये लड़का कैसा कह रहा है? वाह वाह। और इतना ही नहीं, जो लड़का बिटिया से शादी करने वाला है वो फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है, ऐसा पूछ रहा है मुझसे ये नालायक बार बार। असरानी की कसम, देखो नागमुनि, तुम्हारी इन बातों को सुनकर कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक होने लगता है। इसने ये बात कही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ये बात जरूर कह सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक, इस नाग मुनि की बातों पर आपको यकीन नहीं है? अभी हो जाएगा, आपके सामने मैं शराब में जहर मिलाकर पी जाऊंगा। लाइए शराब, लाइए। तुम्हारे इस झूठ को तुमसे मनवाने के लिए मैं शराब कभी नहीं दूंगा। जाओ जाओ यहां से। असल में ये सब तेरा करा था। मेरा? वो तो चले गए। सुनो गांव वालों, आपको ये सूचित किया जाता है कि हमारे गांव में इलेक्शन ऑफिसर आए हैं, पंचायत इलेक्शन के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने के लिए। गांव के मंदिर के बगल में आज शाम को सभा आयोजित की गई है, इसलिए आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। अपने गांव में इलेक्शन हो रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। अरे हसरानी जी, कितने दिनों के बाद हमें भरपूर माल खाने का मौका मिला। आज तो यकीन हो गया ना, आपका नाम नागमुनि नहीं नारद मुनि है।
बकवास बंद कर बेवकूफ कहीं के। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो ये है। इस गांव के समस्त निवासियों, इतने सालों से आपके गांव में इलेक्शन नहीं हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कीमती वोट को अपने मनपसंद उम्मीदवार को देकर अपने नेता का खुद चुनाव कीजिए, ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये क्या बोल रहे हैं आप, ये कैसी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप? हमारे गांव में कभी इलेक्शन नहीं होते हैं, देवाजी अकेले खड़े होते हैं और वही जीत जाते हैं। असल में हमारे देवाजी के खिलाफ लड़ने वाला बहादुर जाबाज मर्द हमारे गांव में है ही नहीं है। मैं लड़ूंगा सर, इस देवा के खिलाफ मैं लड़ूंगा। हे राजा, ये क्या बकवास है? देवाजी के खिलाफ लड़ेगा? वो बंद कर और जाए यहाँ से। वो हम कर लेंगे, आप बैठ जाइए। नागमुनि, ये क्या हो रहा है? मालिक, अब आया है सही समय सही वक्त लोगों को ये दिखाने का कि आपकी पावर क्या है। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई? राजा। इधर आइए। आपने देवाजी के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है? जी हाँ। तो फिर ये लीजिए, इस नॉमिनेशन पेपर पर साइन कर दीजिए। देवाजी, आप भी कीजिए। ओके, आपके गांव में भी सारे गांव की तरह अगले महीने की 5 तारीख को मतदान करवाया जाएगा। अब मैं चलता हूँ। है राजा, गुस्से में तू क्या कर रहा है तू नहीं जानता? मैं क्या कर रहा हूँ अच्छी तरह जानता हूँ। अपने हक के लिए खड़े होकर इस गांव से अन्याय को मिटाने का फैसला लिया है मैंने। सुन लिया ना? सुनो राजा, तुम हर हाल में इस इलेक्शन में हार जाओगे। जब तुम हार जाओगे तो तुम्हारे भैया को, भाभी को, बहन को, अपनी सारी जायदाद संपत्ति को छोड़कर नंगे बदन कपड़ों के बिना इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। सोच लो, अगर मैं जीत कर इस देवा को गांव छोड़कर जाने को कहूँ तो ये मानेगा क्या? अरे राम राम, ये देवाजी कैसे कर सकते हैं? 500 एकड़ जमीन के मालिक हैं। ये सारी संपत्ति छोड़कर नंगे बदन कपड़ों के बिना खाना कैसे खाएंगे? भीख मांगकर जीना पड़ेगा इन्हें, और इन्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा। नागमुनि, अपना मुंह बंद रखो। राजा, ठीक है, अगर तुम हारोगे तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा, और मैं हारा तो तुम्हारी खरीदी हुई जमीन लौटा दूंगा। धोखे से ली गई जमीन मुझे वापस नहीं चाहिए। नहीं, फिर और क्या चाहते हो तुम? जमीन के साथ देवाजी की बेटी के साथ शादी करना चाहते हो क्या? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। अगर ये इलेक्शन हार गए तो मेरे खेत तो मुझे देने ही होंगे, साथ में अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करानी होगी, तभी मैं इस शर्त को मानूंगा। क्यों रे, तू पागल हो गया क्या? इतने लोगों के सामने इस देवा की बेटी से शादी करने की बात कर रहा है, तुझे तो मैं। अरे रामा रामा रामा, जनता है जनता, इसके सामने क्रोध से काम नहीं चलेगा। बैठिए ना, डरो नहीं। उसकी शर्त मानने के लिए आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वो क्या है, उसकी ताकत क्या है? मान जाइए, अरे आप देवा हैं, जीत आप ही की होगी। आप आराम से घर जाकर बिस्तर पर सो जाइए। नागमुनि, भगवान, इस बार तो आप मेरी बात मान लीजिए। राजा, ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। इलेक्शन में अगर तुम जीतोगे तो देवा जी ने जो तुम्हारी जमीन हड़प ली है उस जमीन को वापस तो लौटाएंगे ही, साथ में अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी भी करवाएंगे। क्या कह रहे हो नागमुनि? मैं समझाता हूँ। लेकिन अगर तुम इलेक्शन में हार गए तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात को यहीं सभी के सामने कागज पर लिखकर दस्तखत करना होगा। मैं कागज पर लिखकर दस्तखत करूंगा, यही बात वो भी लिखकर देंगे क्या? इतना सब कुछ होने के बाद मैं पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूँ। देवा 10 लोगों के सामने जो बात कह दे तो जान देकर भी उसको पूरा करता है। नागमुनि, ले आओ कागज। इसे कहते हैं असल में मुकाबला मर्दानगी का। हाँ, ये लो राजा, इसे अच्छी तरह से पढ़कर दस्तखत कर देना। और मालिक, आप भी इसे अच्छी तरह पढ़कर दस्तखत कर दीजिए।
बार इस पंचायत के चुनाव में रविंद्रनाथ उर्फ राजा अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र देवा से 3,752 वोटों के भारी अंतर से विजयी हुए हैं। चला चक्का कार का चक्का हो गया पूरा नैन मटका। चला चक्का कार का चक्का हो गया पूरा नैन मटका। अब अपने प्यार की कहानी बनी रे, तेरे बिना ये जिंदगानी नहीं रे। तू मेरे दिल की अब रानी बनी रे, हमसे ही प्रेम नगर की नई चला। चला चक्का चक्का हो गया पूरा नैन मटका। नाचे नाचे मस्ती भरी फिजा में प्यार की पोती बाचे बाचे ओ बाचे। चलो हम लिख दे इश्क की राह में कोई इतिहास नया, तेरे मेरे प्यार का ये अफसाना करेगा हर कोई बयां। ओ मेरी जाना ओ मेरी सारा क्या बात कही रे। चक्का 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 हो गया पूरा नैन मटका। चला चक्का प्यार का चक्का हो गया पूरा नैन मटका। क्या कह रही हो बेटी? मैंने सारे गांव के सामने जबान दी है, मुझे अपनी जबान की इज्जत रखनी होगी। मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा, ये मैंने लिख के दिया है। क्यों, पिता होने के नाते मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? उसको नीचा दिखाने और हराने के लिए आपको मुझे दाव पर लगाने का हक किसने दिया? पिताजी ये कोई पुराना दौर नहीं है। पुराने दौर में बीवी को दाव पर लगाया जाता था, पर अपनी बेटी को कभी नहीं। मैं आपसे कह देती हूँ पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करूँगी। देवा, 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 देवा,
है, ये लोग बातों से नहीं मानने वाले। ए, तुम सबको क्या लगता है कि हम लोग इस तरह डर जाएंगे? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो एक एक को यहीं पर गोली से भून कर रख दूंगा। ए, ऊंचा मत बोल, गला बैठ जाएगा। तू अगर दो हाथ उठाएगा तो यहाँ हजार हाथ उठ सकते हैं। तुम्हारे पिता ने जबान दी थी ना, पहले उनको बुला। क्यों बुलाऊं बाहर? वो इसलिए कि अपनी दी हुई जबान से पीछे हटकर कायरों की तरह घर में छुप कर बैठ गया है, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। कैसा बोला मैंने? चलो ठीक है, अगर मैं अंदर जाकर उन्हें बाहर लाकर माफी मांगने के लिए कहूं तो क्या तुम उन्हें माफ करके उन्हें छोड़ दोगे? पहले उन्हें बाहर तो लाओ। वो नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो? ऐसे नाजुक हालत में कोई जल्दबाजी करना ठीक नहीं है बाबा। इससे पहले कि ये लोग भड़के, चलो अंदर चलते हैं और पिताजी को बाहर लेकर आते हैं। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। बंद कर बकवास, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हरामखोर अपने मालिक के सामने आंखें दिखाकर बात कर रहा है। तुझे अभी इसी वक्त जान से मारकर बाहर फेंक दूंगा ना, तब उस कुत्ते को पता चलेगा कि हम लोग क्या हैं। रुक जा। इसी हैवानियत की वजह से तेरे पिता इतने लाचार और मजबूर हो गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया ये तेरा कुकर्म है? चंद्रा जी, तुम जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। सुनिए जी, इस तरह खामोश रह के कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं आपने गलती की है, इसलिए बाहर जाके अपनी गलती मान लीजिए। राजा बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो जरूर माफ कर देगा। मुझे माफ करेगा? ये देवा हमेशा से ही अपनी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहा है। ऐ सुन, इस गांव में भगवान की इज्जत है या नहीं नहीं जानता, मगर इस देवा के जबान की अहमियत सारे गांव वाले जानते हैं। मतलब मुझे उस राजा के साथ शादी करनी होगी? बोलिए पिताजी, बोलिए ना। नहीं बेटी, मेरी जबान की खातिर जिसे तुम पसंद नहीं करती उससे मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो मालिक? उससे शादी नहीं करवाओगे और माफी भी नहीं मांगोगे तो फिर क्या करोगे आप? अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये समस्या कभी भी हल नहीं हो पाएगी। इस समस्या का एक और हल है नागमुनि। छोड़ दो, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी इस गांव में जीने से तो अच्छा है कि आत्महत्या करके मैं मर जाऊं। सुनिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरे जीती जी आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। भगवान, मालिक ये पागलपन है, आइए आप मेरे साथ आइए। चलिए चलिए। तेरे हाथ में है, बोल बेटी। तेरी माँ का मंगलसूत्र तो तेरी आंखों के सामने टूटे, क्या तू देख पाएगी? बोल। तुम ये खेल किस लिए खेल रहे हो? क्या चाहते हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर अपना बदला ले लो। इंसानों को समझोगी तो प्यार बढ़ेगा, लेकिन दिल से खेलोगी तो दुश्मनी बढ़ेगी और ये जिंदगी को तबाह कर सकती है। तुमने अपने लड़की होने का फायदा उठाकर मेरे साथ नाटक किया और मुझे बेइज्जत करवाया। आज मैंने उसका बदला ले लिया, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। एक बात अच्छी तरह समझ लो मैडम, वक्त सिर्फ अमीर का नहीं होता, गरीब का भी होता है। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे कदमों में है, और अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें महल से निकालकर झोपड़ी में पटक सकता हूं। कहो हाँ या नहीं, कहो हाँ या नहीं। ये वो पवित्र धागा है जो तुम्हारे गले में बांधूं तो इसी पल से हमेशा के लिए तुम मेरी हो सकती हो। लेकिन शादी का मतलब
सिर्फ ये नहीं कि दो लोग एक घर में साथ साथ रहें, मन का मिलन भी होना चाहिए, क्योंकि जन्मों तक साथ रहने का ये पवित्र बंधन है। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए, तुम्हारे पिताजी के अन्याय को खत्म करने के लिए मैंने शर्त रखी थी, और उसी वजह से तुम आज यहाँ पर हो। इस मंगलसूत्र की पवित्रता और शादी के इस बंधन को मैं अपवित्र कर दूं, ऐसा गिरा हुआ इंसान मैं नहीं हूं। ऐसी जबरदस्ती की शादी से तो मौत अच्छी है। उठो, ये लो तुम्हारी बेटी, मैंने इससे शादी नहीं की और करूंगा भी नहीं, क्योंकि जबरदस्ती चीजों को हड़पना तुम जैसे कमीनों की आदत होती है। मेरे खून में ऐसी मक्कारी नहीं है, समझे? ये मत भूलो कि न्याय के सामने अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें हराने वाला सरपंच नहीं हूं, तुम्हारे अहंकार को तोड़कर चकनाचूर करने वाला राजा हूं, इस बात को याद रखना। चलता हूं। देवा जी, इस साल हमारे गांव में सड़क की मरम्मत के लिए और गांव के उत्सव के लिए 50,000 का खर्च हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है, लेकिन किसी सड़क की भी मरम्मत हुई नहीं और ना ही गांव में कोई उत्सव करवाया गया है, ये सारे गांव वाले जानते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वो 50,000 रुपए कहाँ खर्च किए गए, आपको उसका हिसाब देना होगा। उसका हिसाब तुम्हें देना मैं जरूरी नहीं समझता। जनता का पैसा खाकर आप हिसाब नहीं देंगे तो सरपंच होने के नाते मैं आप पर कार्रवाई कर सकता हूँ। अगर ये बात है तो तुझे जो भी कार्रवाई करनी है वो मुझ पर कर, इसलिए कि पंचायत का क्लर्क मैं था और ये हिसाब मैंने लिखा है। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब दीजिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, यही काम का तरीका है। ओहो, काम कैसे किया जाता है ये तू मुझे सिखाएगा? चंद्रा जी, पंचायत में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस अपना काम कीजिए। देवा जी, इस तरह मीटिंग के बीच से उठ के जाना सही नहीं है। सही गलत क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस 50,000 का हिसाब मैं दूंगा। चंद्रा जी, आप पंचायत बोर्ड से तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी हैं, आप देवा जी के नीचे मुलाजिम नहीं हैं। आप बैठिए। सरपंच साहब, मैं पहले उस देवा जी का आदमी हूँ, बाद में इस पंचायत का कर्मचारी हूँ। देवा जी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, उनसे अलग करने वाली नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, मैं अभी इसी वक्त इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। कितना घमंड है उसे, हम इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते, नहीं तो हमें एक दिन गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप कहें तो फौरन शहर से काली बाबू के गुंडों को बुलाकर उसके टुकड़े टुकड़े करवा दूं। जल्दबाजी मत करो, उसे कैसे मारना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर देर किस बात की है, करवा दीजिए उसके टुकड़े। ये मेरे घर की इज्जत और मान सम्मान का सवाल है, तुम नहीं समझ सकते। चुपचाप जाकर पहले उस चंद्रा को लेकर आओ। ये क्या कह रहे हैं मालिक, वो तो दुश्मन का आदमी है, उसकी यहाँ क्या जरूरत? बकवास बंद करो, उस चंद्रा ने हमारे लिए नौकरी छोड़ दी है, उसको हम पर पूरा विश्वास है, मैं इस विश्वास को ही हथियार बनाकर उस राजा को मारूंगा। सरपंच साहब बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं है, एक छोटा सा जायदाद का मामला है, फैसला कराना है। सरपंच होने के नाते गांव में कुछ भी बुरा हो तो आप ही देखेंगे ना, क्यों सही कहा ना मैंने? अच्छा, तो समस्या किसकी है? मेरी है। भैया, आपको ऐसी क्या समस्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए जायदाद के दो टुकड़े करना चाहता हूँ। भैया, मेरा नाम भैया नहीं चंद्रा है। सरपंच साहब, इतने बड़े आदमी के साथ एक छोटा आदमी कैसे रह सकता है? जायदाद का बंटवारा कीजिए और हमें अलग कीजिए। क्यों जी, ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? इस तरह बंटवारा करने की क्या जरूरत है? तुम चुपचाप अंदर जाओ, ये हम दोनों भाइयों का मामला है। अब ये नाटक बहुत हो चुका, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता, अपने बड़े भाई का अपमान करने वाले के साथ मैं नहीं रह सकता। सरपंच साहब, फौरन बंटवारा कीजिए। छोटे भैया, ये कैसा अन्याय है? ये अन्याय नहीं है बहन, नादानी है। बिना सोचे समझे किए हुए फैसले इंसान को हमेशा दुखी पहुंचाते हैं। हम भाइयों में दरार डालकर मुझे अकेला करना चाहता है,
ये सब उस देवा की ही चाल है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे बंटवारा अभी होकर रहेगा। नहीं राजा। भाभी आप कुछ मत कहें, आप सब लोग आगे आइए और शुरू कीजिए। हाँ, सारी बकरियां 16 हैं, बड़े भाई की 8, छोटे भाई की 8, मुर्गियां 10 हैं, बड़े भाई की 5, छोटे भाई की 5, खेती 6 एकड़ के 2 हिस्से, बंजर 10 एकड़ के 2 हिस्से, पूरी फसल के 2 हिस्से, पशुओं के 2 हिस्से। हाँ और क्या है चंद्रा, जल्दी से बोलो। अभी हमारे पास एक लौती बहन भी है। बहन सीधा बोलिए चंद्रा जी, इस बहन का भी हम 2 हिस्सों में बंटवारा कर लें? अरे चुप हो जाइए सरपंच साहब, ये कैसा बंटवारा है, एक जिंदा इंसान के कैसे तो 2 हिस्से हो सकते हैं। सगे रिश्ते तोड़ने वाले इंसानों के लिए इंसान के 2 हिस्से करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सरपंच साहब, अगर आप ये सारी गलती मेरे सर पर डालोगे ना, तो मैं इसी वक्त सबके सामने अपनी जबान काट डालूंगा, असरानी की कसम। अब इन सब बातों से क्या लेना। देखो बेटी सीता, अपने इन दोनों भाइयों में से तुम किसके साथ रहना चाहती हो, इसका फैसला अब तुम ही करो। बड़े भैया के साथ रहूंगी। चलो ठीक है, अब तो ये बंटवारा पूरा हो गया ना? नहीं बाकी है। क्या बाकी है? ये घर। मैं कुछ समझा नहीं। इसके भी 2 हिस्से होंगे, बीच में दीवार बनेगी। भैया मैं बड़े भैया के साथ रहूंगी, ये मैंने सबके सामने कहा, आपको बुरा लगा ना? नहीं नहीं, मैं हालात को समझ सकता हूँ बहन। बड़े भैया भोले हैं, अगर तुम उनका साथ नहीं देती तो वो फिर मुझे गलत समझते, और मैं जानता हूँ तुमने इसीलिए वो फैसला लिया है ना। चलो राजा खाना खा लो। भाभी उस घर से लाया गया खाना मुझे नहीं खाना चाहिए। क्यों राजा, घर का बंटवारा होने से क्या भाभी के हाथों का खाना जहर हो गया? ये कैसा वक्त आ गया, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक माँ अपने बच्चे की भूख ना मिटा सके तो शायद वो बच्चा जिंदा रहे, तुम अगर मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। भाभी अगर तुम इतने ही स्वाभिमानी हो तो इस घर का खाना क्यों खा रहे हो, अगर इतने ही शर्म वाले हो तो इस घर का पानी भी मत पियो। अरे आज इतनी सारी मोटर कारें अपने गांव में क्यों आ रही हैं? देवा मालिक की बेटी की शादी शहर के लड़के के साथ हो रही है, वही लोग होंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, तुम ठीक हो लक्ष्मी? ये लड़की तुम्हारी बेटी है ना? इतना ही नहीं माँ जी, अगर लोग इतने बेरहम ना होते तो मैं सपना जी की भी बेटी जैसी ही होती। सीता ये क्या बचपना है, माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, कभी कभी हम बड़ों के दिल की बात भगवान छोटों के मुंह से कहलवा देता है। माँ चलो यहाँ से। ए मुन्नी। क्या है दीदी? इधर आ, देखो वो पीला धागा दिख रहा है, तुम्हारी बुआ के गले में राजा भैया बांधना चाहते थे, जानती हो? मैं नहीं जानती। चाहो तो जाकर अपनी बुआ से पूछ लो। ठीक है। बुआ जी इधर आइए। क्या बात है? चलिए ना मेरे साथ। राजा अंकल यही पीला धागा बांधना चाहते थे ना? ये तुमसे किसने कहा? सीता दीदी ने कहा। चुप रहो। बेटी क्यों डांट रही हो मुन्नी को? कुछ नहीं माँ, चलो चलो यहाँ से। देखो काली बाबू, उस राजा से हमारी सपना बिटिया की शादी होते होते रह गई, ये बात सही है। इसके सिवा उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई झूठी बकवास करता है तो तुम उस पर यकीन मत करना, ब्रांडी की कसम। हाँ नागमुनी, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है मालिक, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इन सब बातों को पहले ही बता देना हमारा फर्ज है मालिक, क्योंकि हम ठहरे लड़की वाले। चलो चुप रहो। ये बात नहीं काली बाबू, दरअसल बात ये है कि... नो नो नो, कुछ मत कहिए,
कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देते। स्टेटस, हमको चाहिए स्टेटस। आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हम दोनों के पैसों से हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये है बिजनेस, और इस बिजनेस के लिए मैं ये शादी करूंगा। वो छोड़िए, आपकी बेटी सपना उस राजे के साथ रहकर भी आती ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दो लोग एक घर में साथ साथ रहें, मन का मिलन भी होना चाहिए। ये पवित्र बंधन है। इस मंगलसूत्र की पवित्रता और शादी के इस बंधन को मैं अपवित्र कर दूं, ऐसा गिरा हुआ इंसान मैं नहीं हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ये थाली प्रदान कीजिए। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कहा तुम? ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है पिताजी? उस रोज आपने कहा था राजा से शादी कर लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा कहकर हम सबको डराकर मजबूर कर रहे थे, और आज किसी और से शादी करने के लिए कह रहे हैं। मतलब सिर्फ आपकी ही मर्जी चलेगी? मुझे क्या गुड़िया समझ रखा है जो आप किसी के भी हाथ में दे देंगे? बकवास मत कर। ये क्या है? मंगलसूत्र। पता नहीं है, कैसे पता होगा? पैसे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले बाप को शादी की पवित्रता या मंगलसूत्र के बारे में कैसे पता हो सकता है? इस जैसे दौलत के भूखे इंसान से शादी करने से बेहतर होगा कि मैं उस नेक दिल राजा से शादी करके जिंदगी भर उसके घर में नौकरानी बनकर रहूं। ठहरो, ये तुम्हारा बचपना मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। इस धागे को अपने गले से निकाल दो। ये सिर्फ धागा नहीं है, मंगलसूत्र है। अपने पति के जीते जी कोई लड़की मंगलसूत्र नहीं निकालती। चाहो तो माँ से पूछ लो, अगर आपकी जीते जी माँ मंगलसूत्र निकालेगी तो मैं भी निकालूंगी। क्यों? मुझे बेइज्जत करके मेरे पद को छीनकर सारे गांव में मेरा ही अपमान करने वाले उस राजा को सबके सामने अपना पति बनाकर तू मेरा अपमान करती है? तुझे मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा, तेरे डालूंगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए पर राजा ही मेरा पति है। चुप रहे, वो भिखारी कुत्ता तेरा पति है? तुम्हारे लाए हुए उस कुत्ते से तो मेरा राजा लाख गुना बेहतर है, इसलिए मैंने राजा को अपना पति मान लिया है। बहुत ज़बान चलती है तेरी तो। ए, रुक जा, छी। बाप बेटा और बेटी तीनों ने मिलकर इस घर की इज्जत को नीलाम कर दिया है। मैं भी एक औरत हूँ, जा अब चली जा उस राजा के पास जिसे सबके सामने तूने अपना पति कहा है। देखिए, इज्जत मान मर्यादा सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी है। मेरे जीते जी ये नागिन यहाँ इस घर में कभी नहीं रह सकती। चल जानकी, मेरा रास्ता मत रोकी। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। शादी से इनकार करोगी तो यही होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने शादी से इनकार किया, दरअसल मैंने उन्हें बता दिया है कि मैंने तुमसे शादी कर ली। इसे मैंने नहीं बांधा है। लेकिन बांधना तो चाहते थे ना? सिर्फ चाहने से क्या होता है? अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस गांव का सरपंच हूँ, इसलिए एक लड़की को आसरा दे सकता हूँ। सरपंच नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, पहले तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पति हो। तुम कब जाल बिछाकर शिकार कर लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अरे बाबा मुझे माफ कर दो। सारी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अंदर आने नहीं दोगे? चलो तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकती? मैं यहीं रहूँगी। तुम हाँ कहो या ना कहो, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी। पति पत्नी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। पर मैं तुमसे, भाभी सब चले गए क्या? चुप, चाप, बाहर निकलो, चलो। अरे भाभी, भाभी। बिटिया आप है पर इतनी रात को? उसने भगा दिया। नमस्ते भाभी, आपके भाई से प्यार करती हूँ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुनो बिटिया। बिटिया मत कहिए बड़े भैया, मैं आपके भाई की पत्नी हूँ और आपकी बहू हूँ। मुझे आपके घर में थोड़ी जगह दे दीजिए ना। भाभी अगर आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस पवित्र बंधन की नमस्ते माँ जी। आओ लक्ष्मी, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, आपकी बेटी रात को खुद हमारे घर। सपना तुम्हारे घर नहीं आई लक्ष्मी, बल्कि अपने नर्क जैसे मायके को छोड़कर जिसे वो दिल से चाहती थी उसके पास आई है। माँ जी। लक्ष्मी
मैं अपनी नाजों से पली बेटी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से वो मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी है। डायलॉग से याद है ना, चल शुरू। भाभी कॉफी। छी छी छी, ये कॉफी है या गर्म पानी है? कॉफी है भाभी, जैसी कॉफी राजा भैया के लिए बनाती हूँ बिल्कुल वैसी ही कॉफी ताजे दूध में बनाई है। ये दूध की बनी कॉफी है, इसे इंसान नहीं पी सकते, जानवर को पिलाओ। छी छी, ये दूध की कॉफी है क्या? इसी तरह की कॉफी पी कर तुम्हारे भाई सरपंच का काम देखते है? ए, क्या फालतू की बकवास कर रही है, एक थप्पड़ लगाऊंगा अकल ठिकाने आ जाएगी। इस घर में ऐसी कॉफी बनती है, चाहिए तो पी, नहीं तो बाहर जा, चल। बिटिया रानी, क्या हुआ बिटिया रानी? बिटिया रानी मत कहिए बड़े भैया, बहू रानी कहिए ना। हाँ हाँ, वही वही, समझ गया आपको क्या हुआ। आपके भाई दीवार पर चढ़कर चाकू दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। हाँ? इतना बड़ा चाकू है। अरे तेरी, मैंने चाकू दिखाया? तू साफ साफ झूठ बोलता है, ये कह रही है ना, एक तो बच्ची है ऊपर से चाकू दिखाता है, शर्म नहीं आई? आपकी बेटिया रानी ना झूठ के साथ ही पैदा हुई है, इसकी बात सुनते रहोगे ना तो आज कहेगी चाकू दिखाया, कल कहेगी तलवार दिखाई। है जरा मेरा चेहरा देखकर बताइए, क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? आप इसे अभी सबक सिखाए बड़े भैया, डांटिए ना इसे, डांटिए ना, डांटिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कहा भैया? मुझे डांटेंगे तो तुझे खुशी होगी? बकवास करती है। भाभी आप इसे बाहर निकालो। है नीचे उतर, उतर नीचे, पहले शर्म आनी चाहिए दूसरों के घरों में झांकने में। हाँ, आप अगर शर्म वाले होते तो इस बेशर्म को अपने घर पे थोड़ी रखते। क्या कहा? बिटिया रानी बेशर्म है? तू क्या है, बहुत बड़ा हीरो है? जल्दी जाकर बिटिया रानी से माफी मांग। नहीं मांगूंगा। ठीक है तो मैं दीवार से कूद जाऊँ। दीवार से क्या, जाके बिल्डिंग से कूद जा। बड़े भैया तुम रो मत बेटी, तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, छोटे बड़ों की इज्जत ही नहीं जानता। सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर में छोटे बड़ों की इज्जत कोई नहीं जानता। अभी मुझे डांटा कि मैं दीवार पे क्यों चढ़ा, अब खुद चढ़ गए हो। हेलो, क्या है रे? कुछ करो ना। चुप बेशरम। राजा साहब, सरपंच राजा साहब, चंद्रा। मालिक आइए आइए आइए, बेटिया हमारे घर में ही है मालिक, आधी रात को आकर कहने लगी मैं यहीं रहूंगी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में रखा है। रुकिए, मैं अभी बेबी को बुलाता हूँ। सपना बेटिया, मैं घर नहीं आऊंगी, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। प्रभु प्रभु, बिटिया रानी तो बिल्कुल आप पर गई है मालिक, ये भी बहुत जिद्दी लगती है। नागमणि, तुम अपना काम देखो। क्या बात है मालिक? तुम्हारे भाई को, अरे भाई सरपंच, उसे बाहर बुलाओ। मैं उससे बात नहीं करता मालिक। अरे वाह क्या बात है, कमाल है ना, ये सियासत भी कमाल की चीज है। जैसे राजनीति में होता है ना, एक ही घर के दो भाई, एक दूसरी पार्टी में होता है और दूसरा जो है वो दूसरी पार्टी में होता है, ऐसा ही कुछ नाटक लगता है। ऐसा नाटक शायद तुम जैसे लोगों को शोभा देता होगा, हम जैसे को नहीं। अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? दरअसल कुछ खास बात नहीं है सरपंच साहब, आपने कहा था ना कि पंचायत के हिसाब में 50,000 रुपए की गड़बड़ी है, दरअसल वो गड़बड़ी देवाजी ने ही की थी। मतलब आप ही ने तो कहा था मुझसे कि वो पैसे का हिसाब किताब देवाजी से लेना है। हाँ कहा था। उस पैसे से मेरा कोई मतलब नहीं होने के बाद भी मैं अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए दे रहा हूँ, पूरे 50,000 दे दो नरेंद्र। ठीक से गिन लो। आहा, देवाजी तो सचमुच ही देवता इंसान है। ए, अब समझा ना, देवाजी कितने महान आदमी है, अब तो मान जा और कुर्सी उनके लिए खाली कर दे। घोटाले के पैसे वापस करके कोई महान नहीं होता। अरे बाप रे बाप, मतलब वो पैसा देवाजी ने ही हड़प किया है, तुम्हें यकीन हो गया? ये तो सब कुछ जान गया है। सुनिए जी, आप जब बाहर जाएंगे तो मेरे लिए फूलों का गजरा लाएंगे? फूलों का गजरा नहीं, डंडा, डंडा लाऊंगा। नहीं जी, मुझे डंडा नहीं चाहिए। तेरी तो ये कभी नहीं सुधरेगी। आओ जल्दी, चलिए चलिए। भाभी भाभी, क्या बात है, आप लोग बाहर क्यों सोए हैं? क्या बताऊं राजा, ये सब तुम्हारी ही दया है। मेरी दया? हाँ भैया, आपकी बीवी सीता। हाँ मेरा मतलब सपना जी को अकेले कमरे में आराम से सोने की आदत है, और पंखा भी तो उसी कमरे में है ना, इसलिए उन्हें वहाँ सोना था। बड़े भैया ने यहाँ सोने के लिए कहा है, इसलिए हम यहाँ सो गए। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं उसे अंदर सुला दिया, तुम लोगों को बाहर सोने की क्या जरूरत है, जाओ अंदर। वो अंदर आएंगे तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगी, ठीक है ना? हे भगवान, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है,
तुम मेरे घर में आओ, ऐसा इस जन्म में तो नहीं हो सकता। फिर तो हमको सहना ही पड़ेगा, बस ठंड बहुत है। जरा चादर इधर देना सीता। भाभी भाभी, अंदर का फैन बहुत तेज चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं ये चादर ले जाऊं क्या? हाँ ले जाओ। ए, तुम क्या करना चाहती हो? मारकर तुम्हारा दिमाग सही कर दूंगा। एक तो बाहर सो रही हो, ऊपर से चादर लेकर जा रही हो। शराफत से वापस करो। सीता लो इससे चादर। अच्छा जी, चादर छीन लोगी तो मैं दीवार कूद कर आपके घर आ जाऊंगी, ठीक है ना? अरे किस चक्कर में फंस गया मैं, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? समझौता कर लो और इस लड़की से शादी कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लो और सुनो, आप भी शुरू हो गई भाभी। तू कुछ भी बोल, कुछ भी कर, देवा मालिक देवा मालिक ही है, उनकी बात निराली। देवा मालिक देवा मालिक ही है, उनकी बात निराली है। हेलो, सो रहे थे क्या? नहीं, कबड्डी खेल रहा हूँ। रात को अगर सोऊंगा नहीं तो क्या नाचूंगा? तुम्हें नहीं पता कि क्या करते हैं? तो अपने शादीशुदा दोस्तों से पूछो, वो बता देंगे। लगता है पागल हो गई है, एक मारूंगा ना कल ठिकाने आ जाएगी। चल नीचे उतर। मुझे ठंड लग रही है। पीछे घास पड़ी है, उसमें आग लगा कर उसमें कूद जा, सारी ठंड निकल जाएगी, गला घोटूंगा। ए, अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा बताइए, दशहरा कब है? ए, तेरा पागलपन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या बकवास कर रही है? हाँ उतर नीचे। मुझे नींद नहीं आ रही है। तो डांस कर। मैं अकेली डांस करूंगी तो कैसा लगेगा? आप भी आइए ना, दोनों मिलकर डांस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना? तुझे इस डंडे से ऐसी जगह मारूंगा ना होश में आ जाएगी तक। मुझे ना उम्मा चाहिए। ए, काफी वक्त से सुन रहा हूँ, जब देखो मुझे उम्मा चाहिए उम्मा चाहिए कह कह कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। वैसे ये उम्मा है क्या? ये मैं ऐसे नहीं बोल सकती, दीवार के इस तरफ आइए, मैं ठीक से बताऊंगी। बढ़िया ही खुल के बताएगी, तुझे तो मैं ही खुल के बताता हूँ, रुक बता। तकिए को गले लगाकर ऐसा लगता है जैसे आपको गले लगाया हो। हे श्री रामचंद्र प्रभु, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? सांप 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 बचाओ बचाओ, सांप कहाँ है? सांप सांप यहाँ यहाँ वहाँ था, कहाँ है? छोड़ मुझे, सांप कहाँ था? वहाँ से आया, गोल गोल घुमा और फिर चला गया। नजर क्यों नहीं आ रहा? वो वापस आ सकता है, आप यहीं रहिए ना। उम्मा, हे ये तेरे बहाने, और नौटंकी बंद कर। तूने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, गुस्सा है ना उठा के बाहर फेंक दूंगा तुझे। फेंक दीजिए। देखिए सुनिए सुनिए, दीवार कूद कर यहाँ आए तो कुछ देर रुक जाइए। छोड़ मेरा हाथ। बड़े भैया बड़े भैया, देखिए ना ये दीवार कूद कर यहाँ आए और मुझे मार रहे हैं। क्या हुआ, ये गड़बड़ कैसी है? तू यहाँ क्यों आया? ये यहाँ पर चिल्ला रही थी, साफ साफ इसलिए आया। कहाँ कहाँ साफ, किधर गया? पता नहीं, मैं नहीं जानती, यही कह रहे थे साहब, दीवार कूद कर इधर आया, इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, ये क्या करिए यहाँ पर आए? अबे झूठी, मैंने कहा था, तूने तो कहा सांप आया यहाँ पर। मैंने कब कहा है? सांप कैसा होता है मैंने आज तक देखा ही नहीं। झूठ बोलेगी तो एक छापड़ मारूंगा। देखा भैया, बिटिया को तू मारेगा? बिटिया मत कहिए ना बड़े भैया, बहू कहिए। हाँ वही वही वही। बड़े भैया मुझे उम्मा चाहिए, इनसे कहिए ना देने को। बिटिया इंग्लिश में क्या मांग रही है, चल दे दे उसे दे। उम्मा नहीं चुम्मा नहीं, आप इसकी बात मत सुनिए भैया। बिटिया रो मत, ये तुम्हें जरूर देगा, ये तुम हिंदी में मांगो मैं तुम्हें दे देता हूँ। आप भाभी को दीजिए, ये मुझे देंगे। तुझे देने के लिए कह रही है उम्मा, तुमने मुझसे कब मांगा था? अरे, लेकिन बोलो तो सही। सुनिए सुनिए, मुझे उम्मा चाहिए। छोड़ मुझे, अब तक मार खाए बिना यहाँ से जाएगी नहीं। मारू ना, जब तक नहीं मारोगी नहीं छोड़ूंगी। महका मन हुआ मेरा बहका बहका।
जाएगा सजनी दिल भर जानू प्रिय तुम मेरे साथी समा तो है महका महका मन हुआ मेरा बहका बहका अगन है इसको तू बुझा दे ओ तेरी तरह मैं भी कब से जल रहा तुझे बाहों में भरने को मैं मचल रहा तो अब तू मेरे आ जा बुझा जा बड़ा मद मस्त है जमा आ जा रमा जा दिल ये बोले सजनी दिल बल जानू प्रीतम मेरे साथी ये समा तो बहका बहका
उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है ये सुनकर आप इस तरह चुप बैठे हैं? जाइए उसे छुड़ा लाइए। चुप रहो। मैंने उसे जिस काम को होशियारी से करने को कहा था उस नालायक ने तो सब खेल ही बिगाड़ कर रख दिया, और अभी छुड़ाने जाऊंगा तो खेल और बिगड़ जाएगा। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार। आप लोग घनश्याम नगर से आए हैं? मैं वहाँ का सरपंच हूँ, ये मेरा साला। हाँ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? जिस तरह आपने गांव में बनाया है उसी तरह मैं भी अपने गांव में साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहता हूँ, उसकी प्रथम पूजा में आपको आना है। हाँ जी, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्कार, चाय पीजिए। ठीक है, आपका गाँव? घनश्याम नगर जी। इसीलिए ऐसे मुंह उठाए खाली हाथ आ गए। खाली हाथ? ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, शादीशुदा सरपंच के घर आएंगे तो उनकी बीवी भी होगी, और उस परिवार में खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है। कुछ फूल, कुछ फल, कुछ मिठाई, कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार लाना नहीं जानते तो किस बात के सरपंच के घर आए हैं? हाँ जीजा जी, सरपंच साहब की शादी कब हुई? हे भगवान, ये भी नहीं जानते? और भैया आप भी नहीं जानते? ये नहीं जानता बहन जी, मैं जानता हूँ। सरपंच साहब ने शादी में आने के लिए भी कहा था, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आ पाया। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आया बहन जी। अरे कहाँ चले गए? लगता है गायब हो गए। आजा आजा। ये क्या? लीजिए सरपंच साहब, आपके लिए। और ये सब किस लिए? अरे हम भी सरपंच हैं, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि एक शादीशुदा सरपंच के घर में किस तरह आया जाता है? है? क्या कहा आप, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मजाक मत कीजिए सरपंच साहब, पहले भाभी जी को बुलाइए। मेरी भाभी जी को? हाँ जी, आपकी पत्नी को। मेरी पत्नी? आपने बुलाया है क्या? ये लीजिए, गर्मी बहुत है इसलिए मैंने आपके लिए लस्सी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, लीजिए ना। भाभी जी, फूल और फल दोनों आ गए। रख दीजिए। वाह वाह, लगता है आप दोनों में बहुत प्यार है। आपको कैसे पता चला कि हम दोनों के बीच में इतना प्यार है? रहिए ना, जैसे आप कुछ जानते नहीं, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। तू अंदर चल, तुझे बताता हूँ। नहीं, यही बताइए। बोला ना, चल अंदर। ये भी तो अपने ही लोग हैं, गलत क्या है, यही बताइए। बताइए भैया, अपना क्या है, हम भी तो आपके ही हैं। है, आप लोग जरा चुप रहेंगे। हाँ, मेरे पति जब मुझसे बात करते हैं और कोई बीच में बोलता है तो इनको बहुत गुस्सा आता है ना जी? ऐसा वैसा गुस्सा नहीं, भयंकर गुस्सा। चल अंदर। नहीं नहीं नहीं, बताइए ना। कहाँ ना, अंदर चल। ये फल फूल जी? हाँ वो ले लेंगे, अब चल। अरे साले जी, इन दोनों की जोड़ी तो तोता मैना की जोड़ी लगती है। तोता मैना की जोड़ी नहीं लगेगी तो क्या कौवे की जोड़ी लगेगी? लगता है आप सठिया गए हैं। क्या बोली, उनके सामने मेरी बीवी होने का नाटक कर रही थी, एक खींच के दूंगा ना सब समझ में आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, घर में मेहमान आए हैं उनका तो ख्याल करिए, छोड़िए ना। मैं? उनको जाने दीजिए, फिर जो चाहे कर लीजिएगा, भी छोड़िए ना। सरपंच साहब, लगता है आप किसी जरूरी काम में लगे हैं, हम चलते हैं। ए, रुको रुको, तेरी तो भाभी। क्या हुआ राजा? देखो ना भाभी, मेहमानों के सामने नौटंकी करके तमाशा कर रही है। मैंने कोई तमाशा नहीं किया, बीवी का फर्ज निभाया, क्यों अच्छा नहीं लगा? चुप कर भाभी, इसको खींच के दो डंडे मारो। तुम्हारे झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो, चाहते हो तो खुद ही आकर मार दो। चल सीता, चले। अरे भाभी। क्यों जी, मैं आऊं क्या? किस लिए? मुझे उम्मा चाहिए। ये तो पूरी पागल है। हेलो, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, मैंने भी नहीं खाया, दोनों मिलकर खाते हैं। तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा? हाँ, जा। ये क्या बाबूजी, पत्नी प्यार से खाना बना के लाई है, बजाय खाने के आप उसे डांट रहे हैं। तुम नहीं समझोगी इस नाटक को, तुम जाओ। ए, मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, बस तू निकल यहाँ से, जा। हे भगवान, शन्नु मौसी, गंगा मौसी, शीला मौसी, ये देखिए कैसा अन्याय है। आप जरा चुप रहिए, मैं अपने प्यारे पति के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर लाई हूँ और ये कहते हैं नहीं खाऊंगा, आप ही बताइए ये अन्याय नहीं है क्या? राजा बाबू, इसका दिल क्यों दुखा रहे हो, खा लो ना खाना। आप इसे नहीं जानते शीला मौसी, आप खाना खाओ। हाँ हाँ, ये मेरे हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं, ये सोचकर तुम लोग अपना खाना मत छोड़ना, ये खाएंगे तभी हम लोग खाएंगे, ऐसा मत करिएगा। आप लोग खाइए, आप लोग खाइए, है ना जी? सपना जी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो हम भी अपने पति को खाने नहीं देंगे। हाँ। हाँ। राजा भैया, हाथ जोड़ता हूँ, भाभी जी का खाना खा लो। ए, किसको भाभी बोल रहा है तू? भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ, देखो ना मेरी बीवी ने मेरा खाना छीन लिया है, खा लो ना भैया। आप लोगों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ है ना मौसी? ऐसा है तो हम भी अपने पतियों को भूखा ही रखेंगे। मेरी वजह से अपने पतियों को भूखा मत मारो। ठीक है, मैं खाऊंगा। अरे ये क्या कर रही हो? मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा, मार डालूंगा, हंसते हंसते मर जाऊंगी। तुझे शीला मौसी, ए, नाटक बंद कर, चल खिला।
जी, आपने मेरे हाथों से सारा खाना खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ूं मैं? तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? ऐसा मत कहिए, सच सच बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे तुमसे ही नहीं तुम्हारे साये से भी सख्त नफरत है। एक बार तुम मेरा दिल तोड़ चुकी हो, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम किसी भी तरह मुझे अपना नहीं बना सकती। सुनिए जी, यकीन कीजिए, देवी माँ की कसम, मैं बदल गई हूँ। बात बात में झूठ बोलना, मुकर जाना, ये तुम्हारी आदत होगी, मेरी नहीं। मतलब इस जन्म में मुझे माफ नहीं करेंगे? सपने में भी नहीं कर सकता हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अब चुपचाप तुम अपना ये नाटक बंद करके यहाँ से चली जाओ। इस बंधन की कसम खाकर कहिए। इस बंधन से मेरा कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी कैसी है? मैंने सारा जहर तो बाहर निकाल लिया है माँ जी, लेकिन सपना को होश कब आएगा मैं नहीं कह सकता। चलता हूँ माँ जी। बेटी, बेटी, सपना, घर में तेरी तकलीफ को देखकर ही मैंने राजा के पास तुझे भेज दिया था। तूने कहा था राजा से प्यार करती हूँ, तेरे प्यार ही ने तो तुझे मौत के करीब पहुँचा दिया। अपने प्यार को साबित करने के खातिर तूने जानबूझकर ये अपना हाल किया है। बेटी उठ, बेटी, बेटी सपना। बुआ आंखें खोलिए ना, मुझे डर लग रहा है। आप अगर आंखें नहीं खोलेंगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। इस गांव में ऐसा घोर अन्याय कभी भी नहीं हुआ। एक मासूम की बद्दुआ लेके कोई कभी भी चैन से नहीं रह सकता, तू भी नहीं रह पाएगा। राजा, सपना तुम्हारे लिए मर रही है, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? माँ ने आशीर्वाद के साथ यह मंगलसूत्र बहू को बांधने के लिए दिया था। जितना मुझे भगवान पर यकीन है उतना ही मुझे माँ पर यकीन है। अगर मेरा यह यकीन सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर यह सच नहीं हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। अंकल आपके लिए रो रहे हैं, देखिए। बेटी सपना, राजा के हाथों मंगलसूत्र पहनना ही तेरा जिंदगी का सपना था, उसने पहना दिया। आंख खोलकर देखो बेटी, उठो। उठो बहू। उठो, उठो सपना। सबको नमस्कार। इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों की तरक्की के लिए सरपंच राजा जी ने जिस ईमानदारी के साथ काम किया है,
एक जिलाधिकारी के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज इस शुभ अवसर पर मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कलेक्टर साहब गरीबों को खेती के लिए जमीन प्रदान करेंगे। सरकार की जमीन हथिया के तुम लोग उस पर हक जमा रहे हो, जाके अपने पाप से पूछो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, वो गवर्नमेंट की जमीन कैसे हो सकती है, ये तो हमारे पुरखों की जमीन है, इसीलिए इनके दादाजी ने इस जमीन पर अधिकार जमाया। देखा जाए तो यही असली वारिस हैं। अगर इस बात से कोई इनकार करेगा तो मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा। अरे पाखंडी, ये जमीन सरकार की है, तू और तेरा देवा दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। कई साल पहले ये जमीन गरीबों को दी गई थी, लेकिन तुम लोगों ने उन्हीं गरीबों से उन्हीं की जमीन पर मजदूरी कराई और बदले में कुछ भीख देकर उनके अनाज को हथिया लिया। अगर मैं चाहूं तो इसको और इसके बाप को दोनों को जेल भेजवा सकता हूं। चुपचाप यहां से निकल जाओ। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो एक एक को यहीं पर सुला दूंगा। कौन किसको कब सुलाएगा तुझे अभी पता चल जाएगा, तेरी तो मैं। ए नरेंद्र, ये क्या गुंडा करती है, जेल जाके भी अकल नहीं आई। चलो जाओ सब लोग। ये बात नहीं पिताजी, हमारी जमीन। बकवास बंद करो। राजा, ये जमीन गरीबों की है या अमीरों की ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन इस वीरान बंजर और खाली पड़ी बेकार जमीन को मेरे दादा ने अपनी मेहनत से इस जमीन को खेती के लायक बनाया। कई दिन से मैं खुद सोच रहा था कि इस जमीन को गरीबों में बांट दूं। अब आप बांट रहे हैं, अब झगड़ा किस बात का, जाइए। हम ऐसे नहीं जाएंगे, इतने सालों से हमारी जमीन पे हल क्यों चलाया, पहले इस बात का जवाब दो। मैं तुमको क्या जवाब दूं, नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? कर लेंगे, तुमने जो हमारे साथ अन्याय किया है उसके लिए तुम्हारी जान यही ले लेंगे। क्या कर लेंगे, अरे देखते क्या हो, मारो इसे। देवा जी, गांव वाले अब सारी सच्चाई जान चुके हैं, अब आप ये नाटक छोड़ दीजिए। आपने जो अन्याय किया है उसका हर्जाना तो आपको भरना ही पड़ेगा। भलाई इसी में है कि शराफत से आप सबसे माफी मांग लें, नहीं तो इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं आपको गांव छोड़ने के लिए बोल सकता हूं। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मालिक, ऐसे हालात में सोचना नहीं चाहिए, पानी सर के ऊपर चला गया है, माफी मांग लीजिए, मांग लीजिए माफी। निकल यहां से, निकल यहां से। जाने अनजाने में मेरे दादाजी ने इस जमीन को लेकर जो कुछ भी गलती की है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। सुनिए, बेहतर होगा आप एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी जीने की आदत डाल लें। चलो, तेरा जीना भी क्या जीना है, थू। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो, जाओ जाके डूब मरो कहीं पर। ए राजा, इतने दिनों से भगवान की तरह मुझे पूजने वाली इस जनता के सामने जलील करके तूने मेरा घोर अपमान किया है। कसम है, मुझे जन्म देने वाली उस माँ की मैं पूरे गांव को ही मौत की नींद सुला दूंगा। ए नागमुनि, पकड़ इसे। उस राक्षस को पानी की टंकी में जहर मिलाकर सारे गांव को मारना चाहता है। ए, नागमुनि, नीचे आ। मेरे भाई, इस दरिंदे को एक बार नहीं 100 बार मारने से भी इसके बाप नहीं धुल सकते, लेकिन इस जैसे राक्षस को मारकर तू अपने हाथ गंदे मत कर। ए, नागमुनि, सुबह होने से पहले ये गांव छोड़कर चला जा। अगर सूरज निकलने के बाद नजर आया तो कल रात का चांद नहीं देख पाएगा तू। चल निकल। जी जी, इतने सालों तक इन दरिंदों के लिए काम करके शर्म आ रही है मुझे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं भैया, आइए घर चलिए। तू ये गांव छोड़कर भाग जाएगा तो तू अकेला रह जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है, हमको यहाँ रहना है। लेकिन तू अकेला कैसे रहेगा? देवा मालिक, आपने मुझे खिलाया है। चल खा, हम तुझे अब भी खिला। चलो हटो यहाँ से, इस लाश को जल्दी से जीप में डालो। जी सर। इस गांव का सरपंच कौन है? मैं हूँ। इसकी हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इस
इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये खून राजा ने नहीं किया। आपको जो कहना है कोर्ट में आकर कहिए। कल रात राजा ने नागमुनि की हत्या कर दी, इसकी हमें खबर मिली है। हमें इसे अरेस्ट करना होगा। रुक जाओ, ये सब उस देवा की साजिश है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में लड़ेंगे। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और कानून की इज्जत करना मेरा फर्ज है। इंस्पेक्टर साहब चलिए। बेटी डरो मत, राजा ने ये अपराध नहीं किया, ये साबित करने के लिए सारा गांव खड़ा है। राजा को कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात मानो। राजा के हित में बयान देने के लिए कल सारा गांव कोर्ट में हाजिर होगा। क्यों तुम सब लोग कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? ये हत्या तुम्हारे सरपंच ने नहीं की, इस बात की गवाही देने? मेरे खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही देने की हिम्मत किस में है बताओ? तुम्हारे अन्याय को और तुम्हारे अत्याचार को मिटाने की हिम्मत इस गांव के हर आदमी में है देवा। अपना मुंह बंद कर। अरे जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? जहाँ हो वहीं खड़े रहो, नहीं तो लाशें बिछा दूंगा। अब तक तुम लोगों की जान उस भगवान के हाथ में थी, लेकिन अब तुम सबकी जान इस देवा के हाथ में है। उस राजा के फांसी पर चढ़ने तक सारा गांव जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। ये इस देवा का हुक्म है, जो नहीं मानेगा जान से हाथ धो बैठेगा। ए, आओ सब लोग। ए, रात दिन इन पर कैदियों की तरह नजर रखो। कोई भी घर से निकलने की कोशिश करे तो उनके टुकड़े कर दो। चलिए भाभी घर चलते हैं। अब मुझे घर नहीं जाना है, किसी तरह इस गांव से निकलकर शहर पहुंचना है। मीरपुर गांव के सरपंच राजा पर नागमुनि की हत्या का आरोप सरकारी वकील ने लगाया है, लेकिन इस केस में किसी गवाह के कोर्ट में मौजूद नहीं होने की वजह से अदालत 25 तारीख तक मुलतवी की जाती है और आरोपी राजा को उस वक्त तक पुलिस रिमांड में रखने का अदालत हुक्म देती है। पिताजी ने गांव के सारे लोगों को बंदी बनाकर कोर्ट में बयान देने से रोका है। डरो मत सपना, अगर गांव वाले कोर्ट तक नहीं आ सकते तो मैं कोर्ट को गांव तक ले जाऊंगा। तुम लोग जाकर कलेक्टर साहब से बात करो और उन्हें हालात बताओ। अरे देखो, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। करीब मत आना, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो मैं खुद को अभी इसी वक्त सबके सामने गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगी। खबरदार, पीछे हट जाओ। कौन है आप? कलेक्टर साहब, आप कानून की रक्षा करने वाले एक न्याय अधिकारी है ना? जिले की रक्षा करने वाले जिला अधिकारी है ना? सारे जिले के लोगों की जान की रक्षा करना आपका फर्ज है कि नहीं, बोलिए बोलिए ना सर। आप इस जिले के सबसे बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं। आपके होते हुए एक सीधे साधे आदमी को बचाना क्या आपका फर्ज नहीं है? बोलिए नहीं है, बोलिए सर, बोलिए ना। असल में आपकी समस्या क्या है पहले ये तो बताइए। सर, आपके जिले में मीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक कमीने इंसान की वजह से उस गांव के सरपंच यानी मेरे पति राजा को फंसाकर जेल भेज दिया गया है। राजा के इस केस को आपकी इसी पंचायत में सुलझाया जाए। जिम्मेदार आदमी होने के नाते आपके ही सामने मैं सच्चाई लाके रहूंगा। बोलो तुम लोग, नागमुनि के साथ दुश्मनी करके उसका खून करने वाला कातिल ये राजा ही है ना? हाँ सब,
नागमुनि की हत्या इस राजा ने की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और भी कुछ सुनना है क्या? तुम अपनी इस घिनौनी साजिश से कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते हो देवा। सर, गांव के लोगों को बंदी बनाने के लिए गुंडे बुलाए हैं इस देवा ने। नहीं, इस कातिल की सूरत देखने के लिए गांव वाले खुद अपने घर से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आप खुद हमारे गांव में आए हैं, इसलिए हम सच कहने आए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, अभी पता चल जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब, आप गांव में चलिए। ठहरिए, पुलिस वाले गांव में आए ये हमको मंजूर नहीं। तुम इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकते हो, समझे? चलिए सर। हेडक्वार्टर फोन करके और फोर्स बुलाओ। Yeah.
Thank you.